जय माता दी। दोस्तों अभी हम जगदीशपुर के रामलीला समिति के सामने से निकले हैं और अभी रामलीला में क्या तैयारी हुई है वो दिखाने वाले हैं आज के मोटो ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 9:10 हो रहे हैं और मैं रामलीला मैदान पहुंच रहा हूं और तैयारियां देखने वाला हूं क्या क्या हुई है। और पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था कि जो बेसिक तैयारी थी बट आज कुछ ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि मार्केट दुकानें सज चुकी हैं रामलीला मैदान में और यहाँ पे दुर्गा जी का पंडाल है स्टेट बैंक के सामने, स्टेट नहीं सॉरी भाई बैंक का बड़ा सामने। तो ये श्री रामलीला समिति का जो मेला लगने का एरिया है यहीं से शुरू होता है। कल के दिन पूरा भीड़ ही देखेंगे यहाँ पर, पूरा मिठाइयों की दुकानें रोड वगैरह पर लग चुकी हैं। तो हाँ इस साइड भी अभी दुकानें आ गई हैं, सज रही हैं। तो एक झलक अंदर का भी दिखा देते हैं। रामलीला समिति निहालीगढ़ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी हैं और ये देखो अभी यहाँ पे दुकानें लगना शुरू हो चुकी हैं और क्या क्या तैयारी है आप लोग देखते रहेंगे आज के ब्लॉग में। पिछले साल तो पानी भर गया था बट इस साल तो पानी का कोई चांस नहीं क्योंकि मिट्टी वगैरह पड़ गई है और रावण के पुतले को फिर से पेंट वेंट कर दिया गया भाई। और खिलौने भी वाली दुकानें हैं, गेहूँ की भी है। जी जी तो हर साल की तरह इस साल भी पूरा खिलौने की दुकानें और इधर झूला बच्चों के खेलने के लिए सब कुछ तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। और भैया क्या हाल है? जय राम। तो क्या तैयारी चल चुकी है अभी? तैयारी कितनी हो गई है? तैयारी कितनी हो चुकी है आपका? तैयार है काम? तो ये इधर पूरा कब तक तैयार हो जाए? शाम तक हो जाए? बालाजी धार्मिक पुस्तक भंडार है, रामायण महाभारत नहीं रामायण और क्या क्या है, गीता भागवत ये सारी चीज़ें किताबें हैं भाई साहब के पास। एक राउंड दिखा देते हैं रामलीला ग्राउंड का। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा वाला झूला हर साल की तरह इस साल भी लगेगा। यहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं, दुकानें आधी अधूरी अभी लगी हुई हैं, फिर बाकी भी है ना हर साल की तरह इस साल भी। यहाँ पे हर साल तरह लकड़ी का भी सामान लगता है, इस बार भी लगा हुआ है। तो ये तैयारियाँ है भाइयों, अभी देख सकते हैं शाम तक लग जाए। तैयारी बढ़िया चल रही है। कहाँ तक? जीसेपुर से कहीं बाहर से? जीसेपुर से। चलो फिर भैया तैयारी देखते हैं। तो कुछ इस तरह की रामलीला मैदान की तैयारी है और आप लोगों ने देखा बड़ा अच्छा लगा होगा। तो कल के लिए तैयार हो जाना है ना, ठीक है? कल के लिए सब लोग तैयार हो जाना, भीड़ बहुत तेज़ होने वाली है। फ्री 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 नौ निन्यानवे में मोबाइल मिल रहा है रिमझिम मोबाइल से आपको। तो आज के ब्लॉग में यही तक का दर्शन और कोशिश करता हूँ मैं तो रामलीला में आए, रामलीला की जो रामलीला का ड्रामा चल रहा है अभी नाटक उसमें मैं आ नहीं पाया बट एक झलक दिखा देता हूँ कि कैसा है पंडाल थोड़ा सा, है ना? अगर कोशिश होगी तो आज का जो कार्यक्रम होगा ड्रामा का वो दिखाएंगे। तो अभी थोड़ा सा चलते हैं, झलक देखते हैं और दिखा देते हैं। रामलीला समिति ये देखिए पंडाल बना हुआ है भाई। तो ये बड़ा भव्य पंडाल है, डेली यहाँ पे रामलीला का नाटक होता है। आए हुए सभी राम भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ब्रांडिंग हो रही गोपाल आई केयर की और अन्य दुकानदारों की। तो ये पंडाल है, यहाँ पे डेली रामलीला का नाटक चलता है और अभी सुबह का टाइम है तो अभी कोई नहीं मिलेगा, अभी केवल हम लोग देख सकेंगे यहाँ का क्या क्या मतलब तैयारी हुई है। और कल राम जी की झांकी निकलेगी और रावण का वध होगा श्री राम जी द्वारा। और आज के ब्लॉग वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो
आप लोग रिकमेंड करते रहिए, जब क्योंकि जगदीशपुर में दशहरा की सभी लगभग वीडियो हम आप लोग को दिखाएंगे, चाहे जो एक्टिविटी जो भी कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय माता दी।